हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, अगर आपको आपके जेड आर्चीव रैप में प्रॉब्लम आ रही है, दिस फोल्डर हैज़ एन एंड्रॉइड एसएस रिस्ट्रिक्शन, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए, आज की वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देख सकते हो मुझे ये सेम प्रॉब्लम आ रही थी। आपको एक बार अपने जो फाइल्स फाइल गूगल है, इस ऐप को अनइंस्टॉल कर लेना अपने डिवाइस से। मुझे भी ये प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसके कारण आपको रिस्ट्रिक्शन आती है आपके एंड्रॉयड फोल्डर में। और आपको क्या करना है, एक नया फोल्डर ऐप होगा उसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे फाइल्स वाला, इस ऐप से आप कॉपी पेस्ट इजीली कर पाओगे। इस ऐप से आप कॉपी पेस्ट करने की ट्राई करें अपने फाइल मैनेजर में, नहीं तो सेकंड मेथड ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हमें अपना प्ले स्टोर है उसको ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे अपने ऐप को सर्च कर लेना है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसको सर्च करने के बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। अगर अपडेट का ऑप्शन दिखेगा तो अपडेट कर लीजिएगा। बाय चांस अपडेट का ऑप्शन ना दिखे तो एक बार अनइंस्टॉल कर लेना अपने ऐप को और उसको फिर से इंस्टॉल करना, जैसे यहाँ पे मैं करूँगा। इसके बाद यहाँ पे अपनी डिवाइस की सेटिंग पे आ जाना है। तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे फिर आपको डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन होंगे, तो सिंपली सेटिंग पे क्लिक करते हैं और सेटिंग को ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सेटिंग को ओपन करता हूँ तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कनेक्शन एंड शेयरिंग का, तो सिंपल क्लिक कर देना है कनेक्शन एंड शेयरिंग पे। तो कनेक्शन एंड शेयरिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है इसमें स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रिसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ का, इस पर क्लिक कर देना है। क्योंकि इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रीसेट सेटिंग का, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है यहाँ से। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये कुछ टाइम लेगा रीसेट होने के लिए, तो आपको वेट करना है और इसको रीसेट होने देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। हमें यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, तो जैसे यहाँ से मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे हमें एक ऑप्शन दिखेगा ऐप्स का, तो ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थ्री डॉट्स देखेंगे हमें, सॉरी पहले मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है। मैनेज ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें थ्री डॉट्स देखेंगे और इन पे क्लिक करना है। इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिसेट ऐप प्रेफरेंसेस कर देना है और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।